उसके ऊपर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप जी सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज जो मेरे साथ मौजूद हैं वो है श्याम श्री श्री श्याम कोहली जी, जो कि बहुत ही ये कह लीजिए कि एक्सपीरियंस्ड कह लीजिए और रेनाउंड कह लीजिए एस्ट्रोलॉजर्स हैं। और बाकी मैं इन्हीं के मुंह से सुनना चाहूंगा कि इनका जर्नी कैसा शुरुआत हुआ एस्ट्रोलॉजी में, और क्या ये कैसे रिसर्च करते रहते हैं, और बाकी की चीजें ये आपको खुद बताएं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम जो है श्याम कुमार कोहली है। जी मेरा जन्म जो है 14 मार्च 1953 को हुआ। ओ और जब मैं हाई स्कूल में था 10th क्लास में 1967 में, तो उस समय से ही ज्योतिष में मुझे काफी रुचि रही। ओ और इस रुचि के तहत मैंने ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, मानसागरी, पाराशरी, इन सब का जो है अध्ययन किया अच्छी तरह से। और मूल रूप से संस्कृत में अध्ययन किया, क्योंकि संस्कृत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था। तो बिल्कुल, उसके मेरा बाद भी में फिर ये रिसर्च धीरे धीरे, जानना रिसर्च क्या है, जानना बस। रिसर्च तो हम नहीं कह सकते, ऋषि मुनियों का जो किया हुआ है उसके पाप को हम समझ लें, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। तो उसके बाद में अपना आ गया फिर इंजीनियरिंग में। रुड़की यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बीटेक और एमटेक दोनों आईआईटी रुड़की से किया। वाह सर, उसके बिल्कुल बाद ही है ऐसा। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब पे रहा। हाँ, इंजीनियर कुछ तो भी कर रिटायर हुआ सकते मैं दो 2013 थे। में। 2013 में मैं रिटायर हुआ था एज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। और 76 में मैं 1 साल के लिए डॉक्टर बीबी रमन जी के पास में बेंगलोर में रहा। वाह सर, उनके श्री चरणों में रह करके मैंने काफी कुछ जानने की कोशिश की। अब वो नहीं है, उनकी दिवंगत आत्मा है, तो वो प्रेरणा स्रोत रहे हमारे। उसके बाद में डॉक्टर बिपिन बिहारी जी से मेरा कांटेक्ट वाह हुआ दिल्ली में, जब मैं पोस्टेड था गाजियाबाद में। तो उनसे जो है बहुत अच्छा जो है संदेश मुझको मिला, और उन्होंने ही आगे कहा कि हाँ ठीक है, यू कंटिन्यू दिस थिंग, छोड़ना नहीं अरे कभी, वाह सर, क्योंकि विपिन वो बिहारी जी। उनका देखने का तरीका दूसरा ही होता था। हाँ, उनका तो देखने का तरीका ही दूसरा होता था चीजों को। वो एसोटोरिक टर्म में, उनकी प्रेरणा से ही मैं एसोटोरिक एस्ट्रोलॉजी में गया। और उस वक्त की उन्होंने एक बुक मुझे रेकमेंड की थी, वो बॉलवस्की की, रशियन है राइटर, तो अच्छा, वो काफी बड़ी बुक थी। तो उन्होंने कहा कि इसको तुम सारगर्भित होकर के पढ़ो, तो उसमें आपको साइन के और पूरी डिटेल समझ में आएगी कि साइन और साइन के पीछे एसोटोरिक हिस्ट्री क्या है। तो ओ उस बुक को मैंने बहुत सारगर्भित होकर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है एरिस साइन है, जी एरिस साइन में मंगल जो है वो उसका स्वामी है, सभी जानते हैं, जी बस हम लोग सब इतना ही जब जानते हैं। परंतु मंगल कार्य करेगा या नहीं करेगा, इस चीज को उसके पीछे एसोटोरिक कारक है मरकरी। अगर बुध आपका नहीं सही है तो मंगल चाहे जितना बलवान हो कोई निष्फल हो जाएगा। इसलिए जो बिल्कुल बुध, वो आज मैं कर्म पथ में जब लूंगा तो उस चीज को भी मैं मद्देनजर रखूंगा थोड़ा सा। बाकी देखिए, विद्वानों की कमी नहीं है, हम तो सिर्फ एक जानकारी जो हुई है वो शेयर करना चाहूंगा पब्लिक। 50 साल से ऊपर मुझे इस फील्ड में हो गया, जी और बस ईश्वर जी की सर, कृपा है कि जिस चीज को आप देखिए, सबसे पहली चीज है कि क्यों, अगर आपने क्यों शब्द लगा लिया तो एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है। और जानने की इच्छा यानी थर्ड हाउस आपका, ये थर्ड हाउस आपका पहला मेंटल हाउस है, जहां पर से आपको जानने की इच्छा। अभी तक तो फर्स्ट और सेकंड में तो आप फिजिकल वर्ल्ड में हैं, पहला हाउस जो है थर्ड ही है, जहां से आपको ये पता चलता है कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जो अंदर है, और वो अंदर की दुनिया असीम है। बाहर की दुनिया तो लिमिटेड है, आप टूर कर लीजिए, कल घूम घाम लीजिए, वो तो सब हो जाएगा, पर वो दुनिया जो है वो, इसीलिए वो व्यक्ति वहां ड्यूअलिटी में फंस जाता है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं।
यही जो है फर्स्ट ड्यूअलिटी का हाउस जो बना है। जी तो खैर एनीवे, तो उन चीजों को बहुत बढ़िया सर। बाकी सर ये बुक का नाम क्या बताया सर आपने जो आपने पढ़ी? एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी बाय वोलोवस्की है, तो वो ओ अच्छा, काफी मेरे ख्याल से 600-700 pages की है। हाँ काफी बड़ी है, अवेलेबल वो होगी मुझे सर पहले मिली भी नहीं थी आसानी से, बड़ी मुश्किल से मिली थी दिल्ली में। एसोटेरिक ESOTERIC एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें साइंस और प्लैनेट्स का आपको, साइंस का स्पेशली आपको मिलेगा। साइन का उस एक्चुअली देखिए आज मैं जो ले रहा हूँ वो उसमें थोड़ा सा चीजें मैं लूंगा, स्क्रीन शेयर करने की जरा मुझे परमिशन देंगे तो आपको मैं फिर शुरू करें टॉपिक जब कहें आप। जी बिल्कुल, मैं सर आपको दे रहा हूँ। Amazon पे मिल जाएगी सर ये बुक अगर व्यूअर्स लेना चाहें? नहीं मैं, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं, मैं तो इस बुक को उनकी मैंने 1982 में लिया था तो अब मैं देख लूंगा कहीं अगर होगी तो बताऊंगा आपको मैं। ठीक है एक्चुअली अब आपकी परमिशन हो तो फिर आगे शुरू करें इस पे, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, लाइफ पाथ है क्या? जरूर सर, बिल्कुल सर। एक्चुअली मेरा जो मानना है, जो मैंने अभी तक समझा, कि कोई भी चीज को जब तक हम ज्योतिष के फंडामेंटल्स को नहीं समझ लेते हैं, तब तक हमारे लिए ये बेमानी होगी कि हम प्रिडिक्शन शुरू कर दें। बिल्कुल, क्योंकि वो चांस की बात है कुछ प्रिडिक्शन आपके सही हो जाएंगे बिल्कुल और हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिल जाएगी, और उसके बाद जब गलत होते हैं तब पता चलता है, 5-7 साल प्रैक्टिस करने के बाद पता चलता है हम तो कहीं नहीं फंसते हैं, तो समझ में नहीं आता कि क्यों फंसे हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहली चीज ये है कि हम मान करके चले कि कर्म हमारे जो है ये कर्म थ्योरी पे ही हमारा शरीर, कर्म थ्योरी पे ही है हमारे ये जो 3 कर्म है वो आपके संचित प्रारब्ध और क्रियमाण। तो संचित कर्म है, आज तक हम करते आ रहे हैं कर्म, तो हजारों लाखों सालों से हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता कितने सालों से कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, उन कर्म से जो इकट्ठे हो गए हैं अब वो संचित कर्म इतने ज्यादा हैं कि हमारे एक जन्म में तो निपटाए नहीं जा सकते। उसका कारण यह है कि सोल या आत्मा जो है वो अपने ऊपर किसी तरह की कवरिंग या आवरण नहीं रखना चाहती, वो आवरण हटाना चाहती है फिजिकली, और जिससे कि वो परमात्मा में जाके लीन हो जाए, ये एक तरह का गेम ही है उनका। तो उस कंडीशन में क्या है कि इस जन्म में जितना हमें अलॉट हो जाता है कर्म भुगतने के लिए, वो कर्म हमारा कहलाता है ये प्रारब्ध कर्म है जी, ये प्रारब्ध है। संचित तो टोटल है, बहुत ज्यादा है प्रारब्ध जो हमें इस जन्म में चुकाना है। बिल्कुल सर। और इसी वजह से कभी भी आदमी की डेथ तब तक नहीं होती जब तक इस जन्म के प्रारब्ध कर्म को कंप्लीट नहीं कर लेता, लटका पड़ा रहेगा, पैरालिसिस में चला जाएगा, सब कुछ कर लेगा अब तक नहीं हो जाए। और मृत्यु को देखने का एक और, अभी मैं जाना नहीं चाहता, तो एक और रास्ता होता है जो दोनों चीजें, आपके कर्म कंप्लीट हो जाए और आपकी जीवा डिपार्ट कर जाए। आपकी जीवा जब डिपार्ट करेगी तभी करेगी जब आपके कर्म कंप्लीट हो। कर्म है शनि, बिल्कुल, और खत्म हो गए केतु। जब शनि और केतु की युति इधर हो और राहु बृहस्पति की युति उधर हो, तब चांसेस बन जाते हैं कि हमारे कर्म भी कंप्लीट होगा, हमारी जीवा के चलने का समय भी होगा। वो खैर अलग टॉपिक है, वो मैं बाद में करूंगा जी। उसके बाद में ये आता है कि हमें जो कर्म मिले वो हमारे कर्म फल के हिसाब से हमें सिर्फ परिस्थितियां मिलती, रोड पाथ पे परिस्थिति मिलेगी, ये नहीं है कि वो कर्म फल हो। कर्म फल बनता है आपके प्रारब्ध के कर्म, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में किए हुए कार्य के दोनों के प्रोडक्ट्स जी, दो फोर्सेस, दो बल लगते जिसे कहते हैं अपना कर्म रिटेन करते। उदाहरण के तौर पे सपोज कर लो कि किसी को स्नेक ने काटना है, आप उस स्थान पे जरूर पहुंचेंगे, स्नेक भी वहां होगा इंतजार कर रहे हैं, परंतु अगर आप सतर्क हैं और आपको
पता है कि इस पाथ पे हमें इस समय पर ये स्नेक मिलेगा, तो उस परिस्थिति में आप अपना बचाव करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो है अपना जो प्रेजेंट कर्म है, इसीलिए सारी सिचुएशंस हमारे जप तप पूजा हवन जो कुछ भी आप कह लीजिए वो सब तभी कार्यकारी है अगर हमारा सिर्फ यही भाग्य कार्यकर्ता सिर्फ अकेले, तो हम मशीन हो गए। भाग्य में डाल दिया फिर वो आ गए फल, फिर भाग्य में डाला फिर वही फल, वो तो मशीन हो जाते हैं हम, ह्यूमन नहीं रहते। तो ह्यूमन को ये एक फ्रीडम है और ये करीब करीब 30% को नाप नहीं सकता पर लगभग 30% के आसपास ये फ्रीडम रहती है, ये फ्रीडम रहती है। अब इससे पहले हम जो है एक एनर्जी फ्लो डायग्राम, ये मैं अपनी बुक के डायग्राम्स दे रहा हूँ जो एस्ट्रो की टू प्रोफेशन है मेरी बुक, तो उसके है ये डायग्राम। अब ये डायग्राम जो है ये जिंदगी का सबसे बड़ा डायग्राम जो मैं समझा हूं आज तक, अपने आप बनाया इसको। और इस डायग्राम में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो जन्म होता है, जब हमारी डेथ होती है तो उस वक्त क्या होता है कि सबसे पहले डेथ के समय हमारे बॉडी का मूवमेंट खत्म हो जाता है, फिजिकल मूवमेंट खत्म हो जाता है। सबसे पहले फिजिकल मूवमेंट का कौन सा प्लेनेट है? सिर्फ एक प्लेनेट है जो मूवमेंट देता है, जिसके अंदर गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी होती है, वो है मंगल की एनर्जी हमारी खत्म हो जाती है, सबसे पहले मंगल की एनर्जी समाप्त होती है। और इस वजह से आपने सारी पुस्तकों में और देख लिया होगा कि आठवें भाव से जो है वो हम मृत्यु को दे, आठवां भाव है किसका? मंगल का ही तो है, नैसर्गिक। पहला भाव लग्न है मंगल का, आठवां मंगल का है, तो मृत्यु और उसको देखेंगे ही वहीं से। तो पहले तो ये मूवमेंट खत्म होता है, उसके थोड़ी देर बाद जो है हमारा ब्रेन सीज कर जाता है, माइंड मून की एनर्जी खत्म हो गई। उसके बाद में सोल जो है वो बाहर आती है और वेट करती है, इंतजार करती है कि हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं उनका कर्म फल का जो है वो रिकॉर्डिंग तो लेके चले, नहीं तो अगले जन्म में हम जाकर के चित्रगुप्त को क्या बताएंगे कि भैया इसकी रिकॉर्डिंग क्या है? हमारी चित्रगुप्त रिकॉर्डिंग करते हैं और वो दो हमारे राहु और केतु, ये हमारे दोनों रिकॉर्डर हैं, राहु और केतु रिकॉर्डर हैं, 180 डिग्री अपोजिट होते हैं, दोनों कंधे बताए ना गरुड़ पुराण में जी। तो कंधे क्या है? 180 डिग्री अपोजिट है, ये वहां पर एक्शन करते हैं। जब हमारा कोई भी सिग्नल है वो सबसे पहले आत्मा से निकलता है, सन से निकलता है, 24/7 ये सिग्नल देता रहता है, ये आपका सिग्नल है, ये रुकता नहीं है सन का सिग्नल, क्योंकि सोल जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस कमांड देती है। इसीलिए हॉरोस्कोप में देखिए आपका सन जहां पर बैठा है वो आपको बताएगा कि आपका जो सोर्स ऑफ पावर स्टेशन जो है आपका वो कहाँ है, असली पावर स्टेशन कहाँ है वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल जिसका सूर्य चौथे भाव में है तो उसका बेस स्टेशन घर है, वो घर में या एक जगह पर या सेफ्टी नेट में बैठ करके वो काम करना पसंद करेगा, वो वहां फिर से कंफर्टेबल फील करेगा। सन से जो भी एनर्जी निकलती है, रेज निकलती हैं, वो हमारे मन या मून पे परावर्तित या रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट बिल्कुल सर। तो अब जो है सन से निकली हुई सिग्नल को तो हम नहीं रोक सकते, वो तो हमारे कंटिन्यूअस पास्ट से आ रहे हैं। मून के सिग्नल को हम मिरर है, मिरर को तो थोड़ा सा टिल्ट करो तो उसकी रेज जो है वो डाइवर्ट होने लगी, यानी माइंड को या मन को हम थोड़ा सा, थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करें तो वो चीज हमारे हमें अच्छा सकती है या खराब कर सकती है। इसीलिए ये सन और मून की जो डिस्टेंस है जिससे तिथियां बनती हैं, 12 डिग्री के डिस्टेंस पे एक तिथि बनती है, ये तिथियों के भी जो फल दिए हुए हैं उनकी भी जरूरत है, पर आप खाली तिथियों के हिसाब से निकालेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगी। इसके बाद में मून से जो सिग्नल है वो जाता है हमारे मरकरी में, मरकरी हमारा ह्यूमन कंप्यूटर का प्रोसेसर, मरकरी प्रोसेसर है, मून हमारी हार्ड डिस्क, ये मून हमारी हार्ड डिस्क, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ एस्ट्रोलॉजी बनाया था, वो करीब 80 पेज का है, तो उसमें जो है मैंने ये सारी चीजें दी थी। अब तो बहुत टाइम हो गया उसको किए हुए, क्योंकि तब मैं यूनिवर्सिटी से निकले थे तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही मैंने किया था,
तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही दिमाग में ज्यादा रहती थी। तो ये जो मरकरी हमारा ह्यूमन कंप्यूटर प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर हर एक का अलग अलग है, किसी का प्रोसेसर स्लो है, किसी का प्रोसेसर फास्ट है। जैसे पेंटियम एंटियम पुराने होते थे वो स्लो है, i7 ऑनवर्ड जितने फास्ट है। ये मरकरी की आपकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा प्रोसेसर, ये एंटीना है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि सारी नॉलेज हमारी स्पेस में है। क्योंकि जो भी ब्रह्मा के मुंह से या शिव के मुंह से निकला है वो सब स्पेस में हावर कर रहा है। जब हमारा ये मरकरी उसको ट्यून्ड हो जाएगा एंटीना, तो वो कैच कर लेता है। इसीलिए कहते हैं आइडिया आ गया, ये आइडिया आ गया हमको, ये आइडिया आ गया। आइडिया कहाँ से आ गया? कुछ नहीं, वहीं से आ गया। पर यहाँ पर क्या होता है कि ये एक सिग्नल हमारा शुक्र का जो मिलता है आकर के, शुक्र हमारा पहली स्टेज है लव। शुक्र को देखिए, शुक्र का पहला साइन है सेकंड हाउस, जो आंखें बताता है, आईज को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना भी लव की शुरुआत कहां से हुई? आंखों से। देखा आपने? ग्रेट। हाँ, फिर उसके बाद सेंस ऑर्गन आए, फिर आपके जो है ये चीक्स, फिर लिप्स, और ये नीचे आप चलते जाइए, तीसरे में ये हाथ एम्ब्रेसिंग, फोर्थ ये, और सातवें में जाकर के आपका जनरेटिव ऑर्गन आ जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लव मेकिंग। तो ये जो है शुक्र जो है पहला लव है, डिजायर है। और जब बहुत ज्यादा गहरी इच्छा हो जाती है तो वो लस्ट के रूप में आ जाती है। यानी यहाँ पर जो है फल जो है कच्चा फल लव है, और उससे पक रहा है, और जब सड़ने लगता है तो वो लस्ट बन जाता है। और उससे ज्यादा अगर बन गया तो सड़े हुए अंगूर से क्या बनता है? शराब लोग बनाते हैं, सड़े अंगूरों से या सेब से शराब बनाते हैं। और वो स्टेज आती है राहु की, तब स्टेज आ जाती है राहु की, कि जिसको हम छोड़ ही नहीं पाए आसानी से। तो ये जो है प्रोसेस ये है। तो यहां पर से जब ये सिग्नल इसमें मिल जाता है, तब इसको यहाँ प्रोसेसिंग होती है। ये प्रोसेसिंग होकर के ये सिग्नल कमांड देता है एक्शन के लिए। ये सब कुछ अंदर होता है, ये हमारे इनर प्लेनेट, ये सब कुछ ब्रेन के अंदर होता है, हमें पता भी नहीं चलता, इनर प्लेनेट हम जान भी नहीं पाते जी। हाँ, अब यहां पर से निकला तो मस्तिष्क लेवल पे देखिए, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा सिस्टम किया है। उसने ये कहा है कि भाई तुम जो कुछ भी करोगे, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी करोगे, तो अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे तब भी बुरा होगा, तुम करोगे तब भी बुरा होगा। यानी आपने मेंटल लेवल पे भी सोचा, इमोशनल लेवल पे भी सोचा, तब भी आपके साथ में। तो भाई मेंटल लेवल की रिकॉर्डिंग कौन करेगा? केतु। ये केतु यहां पर बैठा है, ये रिकॉर्डिंग करता है। और एक्शन का प्लेनेट सिर्फ मंगल है, हरकत करने का प्लेनेट मंगल है, क्योंकि मंगल के अंदर एनर्जी है जो मूवमेंट देती है। इसीलिए भौमवत केतु शनिवत राहु, भौमवत केतु, केतु जो है के समान मंगल के समान केतु है। तो हमने बहुत पढ़ा, और लोग जो है ये कहीं से और नहीं है, ये सिर्फ मेरी सारी रिसर्च है जो आज मैं आपके सम्मुख बिल्कुल सर थोड़ा बहुत इसको रख रहा हूँ। उसके बाद में ये मंगल को जो कमांड मिलता है, तो मंगल क्या है? एक तरह से बंदर है, हनुमान जी कह लीजिए या उनके स्वरूप रूप वानर कहिए, बंदर है। बहुत एक्साइटेड, बंदर को ये नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, वो उछल कूद करेगा। हाँ, एक्साइटेड है, उछल कूद करेगा, एनर्जी है जी। वो उछल कूद करेगा, उस एनर्जी को कोई डायरेक्शन देने वाला चाहिए। हमें डायरेक्शन कौन देता है? हमारा गुरु जी। तो गुरु यहाँ डायरेक्शन है, गुरु पकड़ करके इसको ले जाता है कि भाई तू अब सही रास्ते पे चल। अगर आपका गुरु सही है तो आपकी उछल कूद को सही रास्ते पे ले जाएगा, वो बिल्कुल सही रास्ते पे आपको ले जाएगा। उसके बाद में बृहस्पति जब ले करके जाते हैं गुरु जी, तो वो शनि की टनल में जाते हैं। शनि एक सुरंग की तरह, पिछले जन्म के कर्म जो भी किए हैं उसके हिसाब से हमें टनल मिलती है, सुरंग मिलती है, जिसमें नैरो है, किसी की सकरी सुरंग है, किसी की चौड़ी सुरंग है। जिसकी चौड़ी सुरंग है वो आसानी से पास हो जाता है, जिसकी सुरंग जो है थोड़ी सी नैरो है उसको पास होने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर वो जब उसके अंदर
से पास होता है तो वो खरोचे लगती है, दर्द होता है, और यही पेन है जो शनि की साढ़े सती और शनि की दशा अंतर दशाएं देती हैं। अगर जिसकी सुरंग पहले की अच्छी बनी हुई है वो शनि से पता चल जाता है कि आपकी सुरंग कैसी बनी है, तो वहां पर आपको कोई खरोच नहीं आएगी। जो चीजें आपके उसमें दी होती हैं, जैसे कहते हैं कि भाई शनि के वार को आप तेल डाल दीजिए, आप उड़द की दाल दे दीजिए, क्या कहना है। मैंने इसको इस तरह से समझा कि जब तेल डाल देंगे किसी सुरंग से निकलेंगे तो लुब्रिकेशन हो जाएगा, तो थोड़ा आसानी से निकलेंगे। लेकिन निकलना पड़ेगा। डाल देते हाँ तो वो बेयरिंग की तरह काम करेंगी, तो आप आसानी से थोड़ा निकल जाएंगे, पर निकलना आपको जरूर है। और इसको निकलने के बाद में हमारा ये एग्जिट गेट है, एंट्री गेट हमारा सन का है, एग्जिट गेट ये, तमाशा खत्म यहाँ से यहाँ तक। और इसके जब गैसे ही सैटर्न निकला तो राहु ने रिकॉर्डिंग कर ली कि भाई ये कंप्लीट हो गया कर्म। कोई भी कर्म जब तक शनि की सुरंग से नहीं निकलेगा वो कंप्लीट नहीं होता, अधूरा कर्म ही रहेगा, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो रिकॉर्डिंग यहाँ राहु की और यहाँ पर केतु की, इनको मैं जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले क्या है कि राहु और केतु की जो जिप फाइल है जो सन के ऊपर या सोल पे चली जाती है वो ओपन होती है। जैसे बूट किया हमने अपना कंप्यूटर तो वो फाइल जो है ओपन हो करके वो एक पाथ हमारी लाइफ का बना देती है, और वो पाथ है देखिए ये है, सपोज कर लीजिए इस तरह के पाथ है हमारी लाइफ के, और ये जो पाथ है इनमें टाइम एक्सिस पे अगर आप ले जाइए तो यह देखिए ये बचपना है, यहाँ एजुकेशन हो गई, यहाँ पर जॉब हो गया, यहाँ पर मैरिज हो गई, ये समय की रेखा के ऊपर ये रोड चलती चली जाएगी, और इसको डिसाइड करती हैं दशाएं और अंतर दशा, इनको डिसाइड करती हैं दशा कौन सी है और अंतर दशा कौन सी है। तो उससे हमें पूरे रोड पाथ पे ये समझ में आ जाता है कि कहाँ पर हमारा मैरिज का हर एक रोड पाथ बना हुआ है, तो इसमें ये कई लेंस बनती हैं और उन लेंस पे हमें चलना पड़ता है। तो रोड पाथ पे अगर हमें पता हो तो उस कंडीशन में हम अपने व्हीकल को प्रॉपरली ड्राइव कर सकते हैं। अब ये मॉडल जो है व्हीकल का वो मैं यहां से रिलेट करना चाहूंगा कि हमारा जो शरीर है उसके तीन पार्ट हैं, सभी जानते हैं उनका औचित्य क्या क्या है। बॉडी जो है ग्रॉस है, उसके पांच तत्व हैं ही, चितिजल पावक गगन समीरा, मतलब मंगल से लेकर शनिवार तक के सारे। उसके बीच में ये व्हाइट पोर्शन ये मून है, ये कैजुअल बॉडी या सूक्ष्म शरीर का है, और उसके अंदर का कोर है वो सोल है यानी कारण शरीर है। तो ये जो सोल है ये चाहती ये भी हटे ये भी हटे, तो सबसे पहले हटाने का तरीका तो यहीं से होगा, बॉडी से। बॉडी से हटेगा तो फिर माइंड से हटेगा, और माइंड से हटेगा तो फ्री हो जाएंगे। तो ये हमारे एक्चुअली बॉडी। अब हमें एक्चुअली कोई भी हॉरोस्कोप चेक करना तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि जब बॉडी को देखेंगे तो पांचों एलिमेंट देखने, फिर इसको मून को भी देखना है और सन को भी देखना है, तो सात प्लैनेट तो देखने ही है, प्लस हमारा रोड पाथ है जिसपे चलना है, राहु और केतु देखना है। तो फिर हम क्यों कह देते हैं कि वाहन देखना है, चौथा भाव देख लो, शुक्र देख लो, कारक देख लो, बस खत्म काम, क्यों? कभी तुक्का बहुत सही बैठ जाता है और कभी नहीं बैठता है, तब सोचते हैं कि ये हुआ क्या जी। इसलिए सारे जब तक हम नहीं देखेंगे, तो इसको मैंने इस रूप में एक मॉडल बनाया, मैंने वो ये मैंने देता है कि हमारा शरीर जो है ये एक कार है, बॉडी है, सन और मून हमारी हेडलाइट्स हैं। हेडलाइट क्या होती है, हमें रास्ता दिखाती है, यानी माँ बाप कहिए, मदर फादर, ये सन फादर हो गए, माँ मदर हो गई, मून मदर हो गई, तो ये हमें रास्ता दिखाती है। तो हमें अगर लाइफ में ये देखना है कि हमारा मार्गदर्शन सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा है, तो सन और मून को हमें देखना पड़ेगा कि उसकी हेडलाइट कमजोर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मून की लाइट इधर जा रही है और सन की इधर जा रही है, रोड पे पड़ी नहीं रही है, जो रोड पाथ है उस पर पड़ भी रही है कि नहीं पड़ रही है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ा देगी। राहु हमारे आगे की रोड है, केतु हमारा पीछे का है। राहु आगे इसलिए ये हमारा, हमें ये काम करना है, पैशन है हमारी, हमें इसे खाते हुए स्नेक है, रोड भी स्नेक जैसी बनाई मैंने, स्नेक्स है उसको, वो आगे की चीजों को खाता हुआ चलेगा, और केतु जो है ये धुआं उड़ाता हुआ चलेगा व्हीकल का।
जो पिछला जितना भी है गार्बेज है, हमारा पास्ट लाइफ का जो भी कूड़ा करकट है वो निकाल बाहर करेगा। केतु जो है वो इस तरीके से इसको करेगा। तो ये जो है अब हमारा जो भी रोड पाथ है उसको देखने के लिए हमें जो है ये सातों प्लेनेट और दो राहु केतु से, तो राहु और केतु एक मैं एग्जांपल लेकर के फिर जो है वो कोशिश ये करूंगा कि इसको मैं क्लोजअप करूं थोड़ा जी। तो एक्चुअली क्या है हमारी जिंदगी में कई लोग आगे का रोड पाथ के लिए जो मैं ये देखता हूं कि इसमें हाउस साइन प्लेनेट और नक्षत्र और दशाओं को जो मैं समझता हूं वो दूसरा तरीका है इसका जी। वो ऐसा है कि मैं अगर आप फार्मिंग से रिलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी को तो एस्ट्रोलॉजी समझना बहुत आसान हो जाता है जी। जो साइन जो है वो हमारी सॉयल है, जमीन है, भूमि है, सॉयल है, 12 तरीके की सॉयल है, सॉयल डिफरेंट काइंड की है और प्लेनेट उसमें बीज है, प्लेनेट जो है सीड मात्र या बीज है, बीज की तरह है प्लेनेट। और हाउसेज जो है वो हमें जीपीएस सिस्टम की तरह है, हाउस जो लोकेशन है सिर्फ इस जगह पर है ये हाउस। जैसे सपोज कर लो हमें यहाँ से किसी जगह जाना है तो जीपीएस सिस्टम लगा लिया, उस जगह पे हम पहुंच गए। जब हम उस जगह पे पहुंच गए तो हमें हाउस दिखाई पड़ गया। अब हाउस दिखाई पड़ गया तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, हाउस की आउटर विजिबिलिटी दिखाई पड़ेगी, बड़ा है या छोटा है, किस डायरेक्शन में है, उसमें हवा किधर से आ रही है, वहां टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये सारी चीजें हमें ऊपर जो जमीन के ऊपर की सारी चीजें वो सब हाउस है, ऊपर जमीन के ऊपर का जो कुछ भी है वो हाउस है। अब हम अंदर घर के घुसते हैं तो हमें जमीन पे पैर रखा उस घर में तो ये जो है ये सॉयल है, वो सॉयल वहां 12 तरीके की है, वो सॉयल है और वो एक ही हाउस के अंदर सॉयल भी तरह तरह की है, मतलब है एक जैसी नहीं रह सकती। जैसे मेष में है तो उसमें 9 चरण है सॉयल के नक्षत्रों के हिसाब से, सवा अश्विनी भरणी और कृतिका का पहला चरण। मैं इनको 108 की माला मानता हूं तो 108 की माला में 9 जो है 9 चरण इसके हैं, तो 9 पार्ट्स में अलग अलग टाइप की सॉइल है। और प्लेनेट अगर कहीं बैठा है तो प्लेनेट वहां पर बीज है, उस बीज को यहाँ पल्लवित होना है। तो जैसे यहाँ बीज ये पड़ा हुआ है तो इसे यहाँ पल्लवित होना है। हम ये देखेंगे कि भाई ये सॉइल इस प्लेनेट के लिए सुटेबल है भी कि नहीं है जी। तो ये इस बेसिस के ऊपर हम एनालिसिस जो भी करते हैं कि हाउस और साइन और ये, और जो रूट्स है ये जो दशा है हमारी दशाएं जो है विंशोत्तरी तो फिक्स हो जाती है सारी दशाएं, जब जन्म से चाहे आज निकालो हॉरोस्कोप चाहे 10 साल बाद निकालो दशाएं तो नहीं बदलेंगी ना जी। तो वो प्रोजेक्टेड दशा प्रोजेक्टेड वेदर है कि आज से 10 साल बाद वहां पर मौसम ऐसा होगा, ये हमारा एक्सपीरियंस है। जैसे किसान अपना एक्सपीरियंस से कहता है कि इस साल बारिश वहां पर हुई थी ऐसे ही होगी, पर होता एक्चुअली नहीं वो। तो फिर ट्रांजिट जो है वो एक्चुअल वेदर कंडीशन, ट्रांजिट जो है वो एक्चुअल वेदर कंडीशन है। तो इसीलिए हमें पहले प्रोजेक्टेड वेदर से हम देखते हैं, फिर देखते हैं कि ट्रांजिट भैया सपोर्ट कर रहा है कि नहीं जी। तो ट्रांजिट को वो देखते हैं। जुपिटर हमारा फर्टिलाइजर है, जुपिटर बृहस्पति हमारा कमाया हुआ जो धन है या जो कमाया हुआ हमारा फर्टिलाइजर है, बैंक बैलेंस है, जरूरत पड़ती विथड्रॉ कर लेते हैं फिर दे देते हैं, और राहु केतु हमारे रोड पाथ है। तो इनको मैं इस वे से समझता हूं और इसलिए मुझे कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ती कि इस भाव में ये प्लेनेट बैठा है तो ये क्या फर्क आएंगे, क्योंकि वो ये सारी चीजें इसी से निकल जाती हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं लेता हूँ जी कि किसी ये अपने गुरु जी का ये है हमारे डॉक्टर वीकी रमन जी का जी, तो कोई भी ये हॉरोस्कोप के लिए मैं नॉर्मली जो है वो 3 चार्ट लेता हूँ, हालांकि यहाँ सिर्फ एक D1 ही दिया है जी। और हम सर्वाष्टक के ऊपर बहुत जोर देते हैं, सर्वाष्टक को मैंने पाया है कि षडबल से ज्यादा बेटर है, जी, हमें षडबल की जरूरत ही नहीं पड़ती सर्वाष्टक को देखने के बाद जी। हाँ, तो आप किसी भी प्लेनेट की एनालिसिस के लिए हाउस, उसका साइन, उसका नक्षत्र, नक्षत्र पद, कंजंक्शन, आस्पेक्ट, रूलिंग दशा, ट्रांजिट इम्पैक्ट और सर्वाष्टक स्थिति, ये 9 चीजें देख करके तब सही पता चलता है क्या। तो अब ये जो है रोड पाथ के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि राहु और केतु कहां पर बैठे हैं,
यानी राहु हमारी पास्ट की जो पैशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, अतृप्त इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है हमने, उसी लिए हमारा जन्म हुआ है। क्यों, गीता में भी यही कहा गया है कि आप इच्छा करोगे तो जन्म लोगे। तो राहु यहाँ इनका सेकंड हाउस में बैठा है, यानी सेकंड हाउस इज ए हाउस ऑफ वेल्थ, बेसिकली हाउस ऑफ वेल्थ। दो तरह की वेल्थ होती है, एक मटीरियल और दूसरी होती है आपकी नॉलेज, नॉलेज एंड मटीरियल, ठीक है, दोनों तरह। क्योंकि देखिए ऐसा है कि दूसरा घर शुक्र का है नेचुरल, शुक्राचार्य भी बहुत अच्छे गुरु थे और बृहस्पति भी बहुत अच्छे गुरु थे। शुक्राचार्य के पास में मटेरियल चीजों की भी नॉलेज बहुत अच्छी थी जी, संजीवनी विद्या और वो सब चीजों की वो के पास थी जी। तो ये नॉलेज की है। यानी यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, पैशन उसकी है कि वो नॉलेज या वेल्थ, नॉलेज के लिए वो परेशान है, उसकी पैशन नॉलेज के लिए। अब आते हैं साइन को पकड़ते हैं, साइन है 12 जी, मीन साइन 12th इज ए साइन ऑफ आइसोलेशन, इमेजिनेशन, सॉलिट्यूड, एकांतवास और क्लोज चैम्बर, जहां पर हम खुद से खुद की बात करते हैं, हमारी दुनिया एक लिमिटेड सीमित हो जाती है, चाहे वो जेल हो चाहे वो साधना हो। जी, जेल में भी हम एक बाउंड्री के बीच में कैद होते हैं और साधना में भी हम एक जगह पर बैठते हैं। यानी इमेजिनेशन, मैनर, देखिए साइन बताता है कि आपने काम किस तरीके से करना है। यही साइन अगर 10 होता यहाँ तो वो फिजिकल लेबर के तरह से काम करता है, यही साइन अगर लियो होता तो वो जो है रॉयल वे से काम करता है। ये साइन बताता है द मैनर ऑफ वर्किंग, हाउस बताता है व्हाट यू विल डू, साइन कहता है हाउ यू विल डू। तो ये जो है इसमें यहां पर आ गए। उसके बाद में इसका जो नक्षत्र है वो, उसको हमें नक्षत्र को देखना है और उसके बाद में हमने नक्षत्र के पद को पढ़ना है और इसको देख कौन कौन रहे, इसको देख रहा है बृहस्पति, राहु को बृहस्पति देख रहा है और राहु बृहस्पति को देख रहा है। यानी इस राहु की दृष्टि कर्म भाव पे है, बृहस्पति के ऊपर है, कर्म भाव से है और कर्म भाव का स्वामी जो जुपिटर जो है वो है 11वें भाव का और सेकंड हाउस का, यानी दोनों लग से धन इकट्ठा करने का जरिया ये है, जुपिटर है। केतु अष्टम भाव में है वीरगो, वीरगो मतलब है, वीरगो साइन का मतलब क्या होता है कि अच्छे और खराब को अलग करना, सेपरेट करना। वीरगो इज ए साइन ऑफ सेपरेटिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किडनी है जी, ब्लड को यूरिन से सेपरेट करती है, कोई भी कंफ्लिक्ट है तो इस तरीके से जो है, इसीलिए वीरगो साइन जो है वो किडनी के लिए को रिप्रेजेंट करता है। पुराने जमाने में क्या होता था, जो फसल आ जाती थी वो जो खलिहान में चली जाती थी तो उसको जो है पीट करके और उसको छान करके भूसा अलग कर देते थे, हस्क अलग कर देते थे और बीज अलग कर देते थे। तो ये वीरगो होता था छठा हाउस और उसके बाद में सातवां हाउस होता था बाजार, बाजार में ले जा करके बेच देते थे। तो ये सारी चीजें आप अगर उससे जाइए खेती से, आप कृषि से रिलेट कर लीजिए तो एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान है कि ये बहुत सालों बाद पता चलता है कि हम उल्टे सीधे कहाँ घूमते रह जाते हैं चीजों। उसके बाद में आप ये देखिए, इसके बाद में ये देखिए कि आप अष्टक वर्ग के बिंदुओं को देखिए, तो अष्टक वर्ग के बिंदु ये हमें साफ बता देते हैं कि इनके जहां पर ज्यादा है। ये देखिए शनि के 7 बिंदु यहाँ पर हैं छठे भाव में और जुपिटर के जो है 7 बिंदु हैं अष्टम भाव में, 7 बिंदु यानी कर्म से रिलेटेड जो कार्य हैं वो 8वें भाव से संयुक्त हो करके और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बहुत विचारशील तरीके से। और उन्होंने क्या करना है, राइट रॉन्ग को अलग करना है। इन्होंने बहुत सी किताबों सूत्रों को जो है वो छांटा, ये सही नहीं ये गलत नहीं, और कई किताबें उन्होंने, कई पुस्तकें लिखी इस बेसिस पे। जी बिल्कुल, तो उनका मेन काम जो है ये कंफ्लिक्ट है इनके दशाओं अंतर्दशा। अब यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ये चार्ट है जो मैं यूज करता हूँ,
मंगल बिंदु कहाँ कहाँ पर है, मंगल से लेकर के शनि तक के वो हाईएस्ट बिंदु वाला कौन है और ये कौन है, इनसे हम रोड पाथ, वो लंबी टेक्निक है वो कभी बैठेंगे। और दूसरी चीज है शनि, शनि हमारा वो चीज बताता है कि जो हम मैक्सिमम टाइम जहां जी यहाँ स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है। शनि ने जुपिटर को देखा, मंगल ने भी दसवें भाव को देखा, राहु ने भी दसवें भाव को देखा, यानी इस भाव पे मैक्सिमम प्लेनेट का इन्फ्लुएंस पड़ा, मैक्सिमम प्लेनेट्स का इन्फ्लुएंस इस भाव के ऊपर, मून भी देख रहा है इस भाव पे मैक्सिमम इन्फ्लुएंस पड़ा, तो यानी ये कर्मयोगी, बेसिकली कर्मयोगी जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी आप लोगों के खुद ही मतलब है कि करते रहते हैं, हमें जो समझ में आया वो मैंने आप लोगों के सम्मुख थोड़ा बहुत जी बहुत ही सरल और बहुत ही एक कह लीजिए कि प्रैक्टिकल तरीके से जो आपने बताया है लाइफ का, जो भाई चार्ट का एनर्जी, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है चार्ट का, वो कैसे काम करता है, और बहुत ही फंडामेंटल थिंग्स जो हर किसी को सुनना चाहिए, हर किसी को। वही चीज मैं कह रहा हूँ, एक एक प्लेनेट को एनालाइज करने में इतने पॉइंट लगते हैं, मुझे कई बार अचंभा भी होता है कि टीवी पे बैठ करके 5 मिनट में पूरा भविष्य बता देते हैं, बिल्कुल। तो मुझे एक चार्ट में कम से कम 3 घंटे लगते हैं एनालाइज करने में। सही बताऊं, लगता है सर, लगता है, ये फैक्ट है सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल लगता है सर, अगर आप एनालाइज करना। जी कुछ चीजें मैंने अपनी इस पुस्तक में दी हैं, प्रोफेशन के ऊपर ये बेसिकली है जी, पर ये प्राइमरी बुक है प्रोफेशन के लिए, जिन्होंने अपनी शुरुआत ही करनी है, और हायर बुक प्रोफेशन के ऊपर बाद में करूंगा अगर समय ईश्वर ने दिया तो। ये जो है पुस्तक मैंने 3 साल पहले हाँ लिखी थी जी, और मैं ये आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर, और बिल्कुल मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगा कि इस किताब को आप जरूर खरीदें, इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत मजा भी आएगा कि प्रैक्टिकल साइंस के बारे में, हाउसेस के बारे में, इनका एक और शायद साहनी साहब का भी एक किताब था, सुंदर कुमार साहनी साहब जो थे, उनका भी कोई किताब है क्या सर? वो टाइम ऑफ इवेंट्स करके है, जी टाइम ऑफ इवेंट्स है, और उसको जी मेरे थ्रू ही मिल जाएगी इनकी, वो मेरे पास में मैंने ही उनकी प्रिंट करवाई थी तो जी। बुक्स मिल जाएंगी। जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मजा आया आपके साथ। ओके जी जी सर।